हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का जो हम लोग मैथ का सेकंड चैप्टर यानी बहुपद पढ़ रहे थे उसके MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इस चैप्टर से अगर MCQ आता है तो इसी जो मैं ये MCQ कराऊंगा ना इस वीडियो में, इसी में से आएगा एकदम ऑप्शन सहित। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना और जितने भी अभी तक आपके प्रीवियस ईयर जो लेटेस्ट अभी 2024 का भी बोर्ड एग्जाम हुआ है उसका भी पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने इसमें कंपाइल कर लिया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। बाकी जो प्रश्नावली के क्वेश्चन है, चाहे चैप्टर 1 हो गया चाहे चैप्टर 2 हो गया, ठीक है, सारा का सारा मैं सॉल्व करा चुका हूँ, उसका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर पीछे की मैथ की वीडियो देख सकते हो या उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बाकी चलो हम लोग ये जो पॉलिनोमियल यानी बहुपद के जितने भी MCQ हैं इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके यार, तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है, आप लोग देख सकते हो कि बहुपद क्या बहुपद है कि 3x² + 5x + 2, ठीक है, इसके शून्यकों का हमें योगफल याद करना है, योगफल होगा। और देखो ये 2024 का भी अभी जो पेपर हुआ HY कोड वाला और 2020 में जो पेपर हुआ था MZ कोड वाला उसमें आया हुआ है ये प्रश्न है। और देखो ये जो कहाँ आया हुआ है, किस बोर्ड में, तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि UP बोर्ड में। हालांकि आप किसी भी बोर्ड से हो इस वीडियो को देख सकते हो, नो डाउट। ये सारे के सारे आप अगर NCERT या बुक पढ़ते हो तो आपके NCERT जो बुक है उसके अनुसार ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। चलो तो देखो ये बहुपद के हमें शून्यकों का योगफल याद करना है। तो पीछे मैं बता चुका हूं भाई, बहुपद के शून्यकों का योगफल यानी फार्मूला जो होता है α+β, जहां अल्फा पहला शून्यक, बीटा दूसरा शून्यक, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल वो क्या होता है, वो होता है -B/A, ठीक है। तो अब देखो, अब बी क्या होता है, तो एक हम लोग द्विघात बहुपद में, मानक द्विघात बहुपद ax² + bx + c इस टाइप का होता है। तो बी क्या होता है, इस ये चर जो यहाँ पे होता है x वाला, इसका गुणांक, ठीक है, और a क्या होता है, तो x² वाले का गुणांक, और c या अचर पद होता है। तो यहाँ पे हम लोग का b क्या है, b यहाँ पे देखो ये x का गुणांक यहाँ पे है ना 5, और आगे प्लस है तो +5, तो माइनस और +5 यानी वही 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिया, और बटे में a, तो a क्या होता है x² का गुणांक, तो वो 3 है, तो बटे में 3 यानी -5/3 हम लोग का जो शून्यकों का योगफल होगा वो -5/3 होगा ये वाला, ठीक है। ये तरीका मेन यही तरीका होता है, बाकी ये एक और तरीका हो गया इसको आप ये जो इस ये है ना ये बहुपद इसको सॉल्व कर और जो दो मान आएंगे आपके अंत में उनको आप लोग जोड़ोगे तो इतना ही आएगा, लेकिन वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ये आपका 60 तरीका होता है, ठीक है। चलो तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, द्विघात बहुपद, ये देखो 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल, सेम क्वेश्चन, ठीक है, 2024 के HW पेपर कोड में आया था। तो α+β यानी शून्यकों का जो योगफल होता है वो -B/A होता है, ठीक है। बी के जगह पे देखो अब यहाँ पे -4 है, ठीक है, तो ये माइनस पहले से होता है और बी के जगह पे -4 चिन्ह सही चीजें लेते हैं, और बटे में ए क्या होता है x² का गुणांक, यहाँ पे 4 है तो बटे में 4, यानी ये देखो माइनस माइनस कोष हटेगा तो प्लस हो जाएगा, और बटे में ये 4 है तो 4 कटकर 1 हो जाएगा, सिंपल। तो ये ए वाला ऑप्शन हमको हम लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 में भी 5/3, ओके, ये बी वाला ऑप्शन राइट था यहाँ पे, और उसमें ए वाला राइट ऑप्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, दूसरा हो गया। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा हम लोग का जो है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, हमें ये छांटना है। तीसरा क्वेश्चन देखो, बहुपद मैं आपको जब पढ़ा रहा था पहला लेक्चर ही मैं पढ़ाया था बहुपद का, ठीक है, तो उसमें डिटेल में बहुपद के बारे में पढ़ाया था कि बहुपद क्या होता है, इसकी घात क्या होती है, कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, ठीक है, और बहुपद कैसे पहचाने कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, बहुपद समीकरण और बीजीय व्यंजक में अंतर क्या होता है, मैंने पूरा डिटेल में बताया था, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। बाकी चलो यहाँ भी मैं बता देता हूँ, देखो जो बहुपद होता है उसमें जो चर राशि होती है, ठीक है, चर राशि यानी जो x, y, z यानी जो संख्याएं होती है, ठीक है, उनका जो घातांक होता है, घातांक जो होता है, ठीक है, एक इंटीजर यानी एक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक होने का मतलब कि न तो उनका घातांक दशमलव में हो, न तो मतलब भिन्न के रूप में हो, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे देखो, इस ये जो बहुपद है इसमें हम लोग का चर यहाँ पे एक ये है x² और यहाँ पे x, तो इसका घात कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे घात 2 है, तो बिल्कुल अच्छी मतलब ये चीज है, मतलब इंटीजर वैल्यू है घात, तो ये बहुपद हम लोग का है, ठीक है। अब देखो हमें
बहुपद नहीं है, ये छाटना है। तो चलो देखते हैं बाकी। ये देखो यहाँ पे एक चर पद है और यहाँ पे एक चर पद है, इसकी घात कुछ नहीं तो एक और इसकी दो और कहीं नहीं है, तो ये भी हम लोग का एकदम बिल्कुल बहुपद है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक यहाँ चर पद एक यहाँ चर पद और इसकी घात एक और इसकी घात देखो यहाँ पे दो, तो बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे देखो ये दो बटे में एक्स है, क्या यहाँ पे दो बटे में एक्स जो चर पद है वो बट्टे में भी नहीं रहना चाहिए, बट्टे में है इसका मतलब ये ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे घात कुछ नहीं मतलब एक है और जो ये ऊपर जाएगा तो दो गुणे एक्स घात माइनस वन हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो घात यहाँ माइनस वन हो गई। किसी भी चर का घात ना तो ये माइनस हो और ना ही घात में 3.5 यानी दशमलव के रूप में हो घात, या ना ही घात भिन्न के रूप में हो, अगर ऐसा होता है तो वो बहुपद नहीं होगा, तो इसलिए ये नीचे है। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो एक्स घाते माइनस वन हो जाएगा, तो इसलिए बहुपद नहीं है। ठीक है, और बाकी ये बहुपद आपका हो जाएगा क्योंकि एक ही तो ऑप्शन सही रहेगा। तो इस प्रकार हमें नहीं है छाटना था, तो ये हम लोग के ऑप्शन के अनुसार या क्वेश्चन के अनुसार ये सही हो जाएगा। OMR शीट में आप लोग सी वाला ठीक है, सी वाला बिल्कुल राइट भरोगे। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन रहा, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। एक द्विघात बहुपद यानी दो घात वाला बहुपद जो होता है उसके शून्यकों की अधिक से अधिक संख्या क्या होती है, 2019 के पेपर सेट में ये पूछा गया था। ठीक है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये मानक रूप होता है एक द्विघात बहुपद का, तो इसमें अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होगी, मीन्स इसको हल करने पे इसके कितने मान आएंगे। तो हम देखते हैं कि दो ही मान आते हैं, कोई भी द्विघात बहुपद हो गया उसको हल करेंगे तो उसके केवल दो मान आएंगे, तो ये दो ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर एक घातीय बहुपद है तो उसका हल एक आएगा यानी एक शून्यक होगा, अगर त्रिघातीय बहुपद है तो उसका तीन हल आएगा यानी तीन शून्यक होगा, सिंपल। ठीक, चलो चौथा हो गया, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी तीन, सिंपल। त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या तीन होगी, 2024 के देखो HV वाले पेपर सेट में ये पूछा गया है। पांचवे के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी ये एक ऐप है, ऐप का नाम क्या है, UPMSP स्टडी कर। ठीक है, आप इसे डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से। हालांकि अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे होगे तो प्ले स्टोर पे ये नहीं मिलेगी ऐप, क्योंकि अभी थोड़ा काम चल रहा है इसमें। इस वीडियो के 20 दिनों के बाद, अभी मैं ये जब वीडियो शूट कर रहा हूँ इसके लगभग 20 दिनों बाद आपको ये ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। प्ले स्टोर से डायरेक्ट आप ये नाम सर्च करोगे तो आ जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अभी कैसे डाउनलोड करना है, तो देखो यहाँ पे मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नंबर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो नंबर मेरा दिखाई दे रहा होगा इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करोगे ना, व्हाट्सअप करोगे तो इसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे आपको लक्ष्य बैच अगर आप ज्वाइन कर लेते हो यहाँ पे, जिसकी प्राइस मात्र 299 रुपए है, 299 रुपए मत देखो, देखो इसमें क्या क्या चीजें मिल रही है। पिछले साल के पेपर जो 2023 में अभी बोर्ड एग्जाम हुआ है उसका, और अभी 2024 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ है, इन दोनों का। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी का सातों कोड का 2024 के भी, हिंदी के सातों कोडों का 2023 के भी, उसी प्रकार मैथ के सातों कोडों का 2023 का भी, 2024 का भी, हर एक सब्जेक्ट के सातों सातों कोडों का, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल साइंस संस्कृत आर्ट, इन सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल डिटेल में आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा, PDF में सॉल्यूशन मिलेगा जिससे आप आसानी से पढ़ सकोगे। ठीक है, और साथ साथ सबका आपको वीडियो भी मिलेगा। ठीक है, और सबका आपको टेस्ट भी मिलेगा, लगभग 100 से ज्यादा यहाँ पे आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो ये सब चीजें मिलेगी मात्र 299 रुपए में। उसके अलावा एक आपको प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा जाएगा, जहाँ और भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पर डे मिलती रहेंगी, आपको गाइड मिलती रहेंगी कि कैसे तैयारी करनी है क्या करनी है। ठीक है, तो आप इस बैच से जरूर जुड़ना, ये लक्ष्य बैच है, और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, चलो बाकी देख सकते हो जो अभी 2023-24 के बैच के लड़के थे, यानी जो 2024 में अभी बोर्ड एग्जाम दिए थे उसमें देख सकते हो ये बैच का ही अपना लड़का है। ठीक है, 89% यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि 90% 88% यानी 90% 89% आप लोग देख सकते हो, 80% 81% 75% देख सकते हो, ये मैक्सिमम 90% मार्क लड़के लाए हुए हैं इस बैच से पढ़कर। ठीक है, और इस साल तो इस बैच को मैं और एडवांस बना रहा हूँ क्योंकि इसमें नोट्स भी एड कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अब नोट्स भी मिलेगा यहाँ पे, जी हमें दोस्त नोट्स भी मिलेगा इस साल। ठीक,
चलो तो आप ये बैच जरूर ज्वाइन करना। आगे चलता हूं, आगे देखो प्रश्न संख्या 6, 5 के बाद 6। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हमें इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो भाई इसको हम लोग शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, इसको जीरो के बराबर करेंगे, सिंपल ठीक, और इसको हल करेंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर ये 3 उधर जाकर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो ये स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में 3 हो जाएगा, और जो भी अंडर रूट में चीजें होती है उसका दो मान होता है, एक प्लस एक माइनस। तो एक्स का मान आपका एक रूट 3, आगे प्लस लिखा नहीं जाता है और माइनस लिखा जाता है, तो माइनस रूट 3 ये मान होगा, यानी रूट 3 और माइनस रूट 3। तो माइनस रूट 3 और रूट 3 ये वाला आपका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा प्रश्न संख्या आपका 6 के लिए। क्लियर है मेरे भाई? चलो आशा करता हूँ आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो इसको एक और तरीका है करने का, ऐसे भी कर सकते हो। जैसे हम लोग का क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3 था बराबर, इसको मैंने जीरो कर दिया ठीक। अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस इस 3 को मैं रूट में 3 लिख दूं और इसका स्क्वायर कर दूं, क्योंकि ये बराबर 3 ही के होगा ठीक है। ये लिखो भाई, ये लिखो, दोनों एक ही हुआ, तो मैं इस चीज को लिख लेता हूं। और मैंने ऐसा क्यों लिखा, एक फार्मूला बनाने के लिए, बराबर जीरो है तो जीरो, एक फार्मूला बनाने के लिए। कौन सा फार्मूला? तो वो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये बराबर क्या होता है, ए कोष में ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी होता है ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये ए एक जगह पे x है और b के जगह पे रूट 3 है, तो एक क्वेश्चन में a प्लस बी तो x प्लस रूट 3 और एक में a माइनस बी यानी x माइनस रूट 3 हो जाएगा। क्लियर? और बराबर जीरो है तो जीरो। अब x प्लस 3 एक प्लस रूट 3 बराबर मैं जीरो करूंगा तो x का मान हम लोग का उधर जाकर ये रूट वाला माइनस रूट 3 आ जाएगा, और एक बार x माइनस रूट 3 बराबर मैं जीरो करूंगा तो ये रूट 3 उधर जाकर आपका प्लस रूट 3 हो जाएगा। तो वही देखो वही आंसर आया, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो तरीके हैं इसको करने के, बाकी आप किससे भी कर आंसर निकालो। चलो 6 के बाद हम लोग प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। ये क्या है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। ओके, इसके शून्यक हमें ज्ञात करना है, मीन सिंपल इसको हल करना है। तो देखो 10 ये इससे इसमें गुणा होता है तो 10x स्क्वायर हो गया, तो इस 7x को तोड़ेंगे तो 5 × 10 = 7 यानी एक्स प्लस 5x ये हो जाएगा हम लोग का, दोनों उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा। देखो ये आप ना धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको हल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी तरह आप कर लोगे। पहला होगा कैसे, ये 2020 में आया हुआ है कैसे, देखो मैं दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। अब देखो ये 10 का इसमें गुणा होता है तो आगे एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं है, मतलब एक है तो एक से गुणा होगा तो 10x स्क्वायर होगा। इसका मतलब इसको दो भागों में तोड़ेंगे और ऐसे भागों में जिनका गुणा करने पर 10x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पर 7x आ जाए, तो 5 × 10 यानी 5x प्लस 2x, 5 और 2 मिलकर 7x हो गया और 5 × 10 और xx स्क्वायर ठीक है। और ये प्लस 10 है तो 10 गुणनखंड इस तरह से किया जाता है, आप जानते हो ठीक है। और बराबर जीरो है तो जीरो में रखते जाता हूं, क्योंकि किसी बहुपद को सॉल्व करने के लिए जीरो के बराबर करते हैं, उसका शून्य ज्ञात करने के लिए उसको जीरो के बराबर किया जाता है। अब देखो इसमें हम लोग का क्या कामन है, एक्स का मान है तो एक्स का मान लूंगा तो यहाँ से एक्स भाग एक्स स्क्वायर में भाग दूंगा तो एक्स बचेगा, और इस एक्स से 5x में भाग दूंगा तो प्लस 5 बचेगा। प्लस इन दोनों में क्या कामन है, 2 कामन है, यहाँ भाग दूंगा तो x बचेगा और यहाँ 10 में भाग दूंगा तो 5 बचेगा ठीक। बराबर जीरो है तो जीरो, एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 कामन x प्लस 5 ठीक है, क्योंकि दोनों में है तो यहाँ से x प्लस 5 कटे तो x बचेगा और यहाँ x प्लस 5 कटेगा तो केवल प्लस 2 बचेगा। तो ये दूसरे कोष्टक में हो गया, बराबर जीरो है तो जीरो। तो अब देखो x प्लस 5 बराबर मैं जीरो करूंगा तो x का मान हम लोग का माइनस 5 हो जाएगा, और x प्लस 2 बराबर जीरो करूंगा तो x का मान हम लोग का माइनस 2 आ जाएगा, ये निकल कर आ गया ना। चलो आगे चलता हूं, आगे हम लोग देखते हैं 7 के बाद 8वां। 8वां हम लोग का क्या है कि निम्न में कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है ये हमें बताना है। तो देखो 2x प्लस 3 ये बहुपद है कि नहीं है, देखो 2x प्लस 3 एक बहुपद है, क्यों, क्योंकि ये एक घातीय बहुपद है, ax प्लस b टाइप का है, मानक रूप एक घातीय बहुपद का इस टाइप का होता है ठीक है। तो ये हम लोग का एक घातीय बहुपद है, और देखो चर का घातांक कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब एक है तो ये एक घातीय बहुपद हो गया, तो ये बहुपद है ठीक है। अब देखो 3 और रूट में, देखो ये रूट में x हो गया, देखो रूट अंडर रूट x हो गया, तो इसका मतलब क्या कि ये रूट से बाहर निकलेगा तो x टू पावर 1/2 हो जाएगा ठीक है। और x यानी जो चर होता है, चर का पावर यहाँ भिन्नात्मक नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये आपका मतलब बहुपद नहीं होगा ठीक है। तो ये आपका कौन सा नहीं है, तो ये वाला नहीं है क्लियर। बाकी ये देखो ये आपका बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे चर जो y है उसका घात 2 है ठीक है, और यहाँ पे जो चर इसका घात यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो बिल्कुल ये सब बहुपद है, लेकिन ये आपका बहुपद नहीं है क्लियर। चलो 8वां क्वेश्चन भी क्लियर, 9 नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन 2019 के बीबी वाले पेपर सेट में पूछा गया था।
इसका एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस तीन के हमें शून्य ज्ञात करना है, ठीक है, यानी इसको हल करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस तीन, तीन एकम तीन यानी तीन एक्स स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर और हम लोग का गुणा करने पे तीन एक्स स्क्वायर और जोड़ने पे हम लोग का माइनस दो एक्स, यानी मैं माइनस तीन एक्स प्लस एक्स लिख देता हूँ। इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो माइनस दो एक्स होगा और दोनों का हम लोग गुणा करेंगे तो माइनस तीन एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, और माइनस तीन है तो तीन। अब देखो इसमें हम लोग का क्या कॉमन, एक्स कॉमन, तो एक्स माइनस तीन हो गया और इसमें हम लोग का कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस वन कॉमन लेता हूँ, तो ये एक्स माइनस तीन बराबर जीरो है तो जीरो बराबर जीरो कर लेते हैं किसी भी बहुपद को हल करने के लिए, ठीक। अब देखो एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री यहाँ भाग दूंगा तो एक्स बचेगा और यहाँ हम लोग का ये कट जाएगा तो प्लस वन बचेगा, यानी ये बराबर जीरो, इसको मैं एक्स माइनस थ्री जीरो पर करूंगा तो एक्स का मान हम लोग का ये उधर जाकर तीन हो जाएगा और ये उधर जाकर माइनस वन हो जाएगा, यानी तीन माइनस वन, तीन माइनस वन, ए वाला हम लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा प्रश्न संख्या नौ के लिए, ठीक है। चलो आठवां भी हो गया, नौवां भी हो गया, अब हम लोग प्रश्न संख्या दस देख लेते हैं। प्रश्न संख्या दस क्या है कि देखो अब ये फिगर वाला आ गया, ये आपका चैप्टर वन जो आपका सॉरी मतलब चैप्टर जो दो है आपका बहुपद, उसमें प्रश्नावली 1.1 में ऐसा सवाल था, ठीक है। चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्य होंगे, बहुपद के शून्य होंगे 2020 में एमबी वाले पेपर शीट में आया हुआ ये प्रश्न है। अब देखो मैंने बताया था ये क्या होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये आपका वाई अक्ष होता है, तो कोई भी रेखा या मतलब कर्व एक्स अक्ष को जितनी बार काटे उसके उसके उतने ही शून्य होंगे। तो देखो यहाँ एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है एक्स अक्ष को चार बार, तो इसलिए चार शून्य। अब देखो ऑप्शन में कहीं पांच डाल देगा और लड़के इसको भी गिन लेंगे, इसको भी गिन लेंगे, लेकिन ये नहीं, ये वाई अक्ष होता है, ये आपका ये 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 आपका जो ये एक्स अक्ष पे होता है उसको गिना जाता है, ठीक है। तो ये चार है तो इसलिए चार शून्य हो गया, सिंपल। चलो 10 के बाद हम लोग 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, क्या है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 5 और माइनस 3 है तो बहुपद होगा। ओके 5 और माइनस 3 है तो बहुपद क्या होगा, इसके लिए मैं आपको सीधे फार्मूला बताया था कि द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का सीधे सीधे मैं फार्मूला बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस पोस्ट में अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल, ठीक है, उसके बाद इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये मैंने बताया था। और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए इसको हम लोग जीरो के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब हमें यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दिया है, पहला शून्यक दिया है ये दूसरा शून्यक, तो हमें शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर ज्ञात कर लेते हैं, वो क्या होगा 5 प्लस माइनस 3, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर वो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो आपका 15 यानी माइनस 15 हो जाएगा, सिंपल। अब देखो यहाँ पे 2 हो गया तो एक्स स्क्वायर इसका जगह पे 2 रखोगे और ये x है तो x, तो ये आपका 2x हो जाएगा और देखो ये आपका माइनस 15 है, तो यहाँ पे माइनस 15 रखोगे और ये प्लस है बाहर, तो प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस ही होगा, यानी माइनस 15, सिंपल। और ये बराबर है 0 है तो 0। अब देखो ये तो समीकरण फॉर्म में हो गया, असली हम लोग का ये हम लोग का द्विघात बहुपद निकल कर आ गया, ठीक है, ये द्विघात बहुपद का ये समीकरण रूप कहलाता है, बराबर 0 है तो, ठीक है, ये मेन है हम लोग का बहुपद, तो एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस 15, ये बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न संख्या आपका 11 के लिए। हम लोग तो मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक कर रहे हैं ना, अल्फा प्लस बीटा यानी 5 प्लस माइनस 3 यानी ये हटेगा तो माइनस ही होगा तो हम लोग का 2 बचेगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डी वाला ही होगा। चलो एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस 15, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 के बाद प्रश्न संख्या 12 पे, लेकिन थोड़ा एक मिनट में चेक भी कर लेता हूँ कि सारी चीजें ठीक चल रही है ना, एक मिनट। चलो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। देखो प्रश्न संख्या 12 क्या है, निम्न में कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, वह हमें बताना है। तो देखो एक्स अक्ष को, ये हम लोग का एक्स अक्ष है और ये कर्व इसको काट ही नहीं रही है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है, कोई भी बहुपद नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, तो ये आपका कर्व वाई अक्ष को काट रहा है, एक्स अक्ष को काट ही नहीं रहा है, तो ये भी गलत, ठीक है, ये भी कोई बहुपद नहीं हुआ। अब देखो यहाँ देखो ये एक्स अक्ष को, ये एक्स अक्ष है, इसको एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ, तो ये द्विघातीय बहुपद हुआ, ये आपका द्विघातीय बहुपद हुआ, ठीक है।
और यहाँ पे देखो ये कर्व एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ काट रही है, ठीक है, एक अक्ष को तीन बार, तो ये आपका त्रिघातीय बहुपद हो गया। कैसा? त्रिघातीय। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, तो ये तो आपका द्विघात बहुपद का आलेख है और ये त्रिघात बहुपद का आलेख है, तो द्विघात बहुपद का आलेख कौन नहीं है, तो ये नहीं है, और बाकी ये पहला और दूसरा तो कोई औचित्य नहीं है इसका, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है, ठीक। तो कौन सा आलेख नहीं है द्विघात बहुपद का, तो ये वाला। चलो बाकी हम लोग इसके बाद प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। हमें बहुपद दिया है, ये देखो दो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे गुणांक आगे कुछ नहीं है, मतलब एक हम मान सकते हैं एक होगा, और चिन्ह सही चीजें लेते हैं तो माइनस एक, सिंपल सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 के लिए, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या है कि बहुपद, यहाँ पे देखो तीन एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स माइनस दो के शून्यकों का योगफल हमें बोला है, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है, बराबर देखो माइनस और बी, बी के जगह पे बी मीन्स एक्स का गुणांक, तो यहाँ पे देखो प्लस पांच है तो यहाँ पे पांच में लिख देता हूँ बटा ए, एक क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणांक, तो वो तीन है तो तीन, यानी माइनस पांच बटा तीन, ये वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, 2020 में आया था ये। चलो 14 के बाद प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो मेरे भाई, प्रश्न संख्या 15 है, हमें ये सिंपल ये ग्राफ दिया है, इस ग्राफ में शून्यांकों की संख्या पूछा है, तो देखो यहाँ पे एक बार टच कर रहा है, टच करे या कट करे एक अक्ष को, उसको एक हम उसका एक हल गिन लेंगे, एक शून्य गिन लेंगे, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीन, सिंपल तीन आप हम लोग का आंसर सही होगा। वही आप ध्यान नहीं दोगे तो इसको भी गिन लोगे और चार पे क्लिक कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, केवल ये एक अक्ष पे आप देखोगे, ठीक है, इसको आप नहीं देखोगे, क्लियर। चलो प्रश्न संख्या 15 हो गया। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, इसमें भी आपका ये ग्राफ दिया है, ये 2020 में आया हुआ प्रश्न है और इसमें शून्यांकों की संख्या यानी शून्यकों की संख्या पूछा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये देखो ये कर्व, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कर्व ऐसे आ रही है और ऐसे ये चली जा रही है, तो ये एक अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष, वाई अक्ष को एक बार यहाँ काट रही है एक बार यहाँ, तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, वाई अक्ष से एक अक्ष को कितनी बार काट रही है, एक बार यहाँ एक बार, तो इसलिए एक इसका आपका हल हो जाएगा या शून्य हो जाएगा, सिंपल। चलो 16 हो गया। 17 नंबर प्रश्न देख सकते हो, यदि द्विघात बहुपद, ये देखो के माइनस एक इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन या एक के शून्यकों में से एक शून्यक माइनस तीन है, तो के का मान ज्ञात करें, ठीक है, हमें एक शून्यक दे दिया है, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे के का मान ज्ञात करना है। अब देखो किसी भी बहुपद में एक शून्यक दिया हो तो उसमें आप एक्स के जगह पे उसको रख कर, ठीक है, और कोई संख्या उसमें गायब कर दे तो उसका मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो देखो ये के माइनस एक है तो एक मैं कर लेता हूँ, और इंटो में एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स और प्लस वन, ये है। अब देखो कोई भी बहुपद को हम लोग हल करने के लिए उसको जीरो के बराबर लिखते हैं, तो जीरो के बराबर लिख लिया। अब देखो इसमें एक हमें शून्यक दिया है तो एक्स के जगह पे उस शून्यक को रखते हैं, ठीक है, उस शून्यक को रखेंगे तो जीरो के बराबर होगा, यानी ये संतुष्ट होगी एक तरह से बोल सकते हैं ये बहुपदीय समीकरण, ठीक। तो चलो एक्स के जगह पे रखते हैं, तो ये के माइनस एक को उसी तरह मैं रखता हूँ। अब देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स के जगह पे आप माइनस तीन रखोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो वो माइनस तीन गुणे माइनस तीन तो प्लस नौ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो आपका आगे यहाँ पे प्लस है और के एक्स है, तो यहाँ पे एक्स का मान माइनस तीन है, तो माइनस तीन से के में गुणा होगा तो माइनस तीन के हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस यानी माइनस तीन के यहाँ पे हो जाएगा, और ये प्लस वन है तो प्लस वन बराबर जीरो, ठीक। अब देखो ये कोष्ठक हटेगा, यानी यहाँ पे तो गुणा हो जाएगा तो नौ से गुणा होगा, तो यहाँ नौ के और ये माइनस नौ, ठीक है, और माइनस थ्री के यहाँ पे है ही और ये प्लस वन बराबर जीरो। अब देखो ये नौ के और ये माइनस तीन के आपका कितना होगा छ के, और ये नौ और प्लस वन यानी माइनस आठ हम लोग का बचेगा, ठीक, और बराबर जीरो है तो जीरो। अब देखो छ के बराबर इधर आठ इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो के बराबर ये आठ और ये छह गुणे में है तो बट्टे में इधर आकर हो जाएगा, आठ बट्टे नौ कटेगा, तो ये आपका किससे कटेगा, नहीं कटेगा क्या भाई, नौ नहीं माफ करना ये छह ना है, ठीक है, तो यहाँ बट्टे छह होगा। अब ये कटेगा तो दो से कटेगा, दो चौका आठ, दो तीन छह, यानी चार बटे तीन हम लोग का आंसर हो जाएगा, चार बटे तीन, ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न संख्या 17 के लिए, क्लियर है मेरे भाई। चलो प्रश्न संख्या 17 हो गया, एक मिनट थोड़ा मैं एक मिनट रुक जाओ। चलो प्रश्न संख्या 17 हो गया, प्रश्न संख्या हम लोग 18 देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग भी चेक कर लूँ यार, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो
आगे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, बहुपद नहीं है, जो बहुपद नहीं है उसे हमें छांटना है। 2/3 एक्स प्लस वन, देखो एक्स यहाँ पे ऊपर ही है और यहाँ पे घात कुछ नहीं है, मतलब एक है, तो बिल्कुल ये आपका बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद है आपका, और ये बट्टे में ये आपका अचर पद, जो अचर पद होता है अचर पद, ठीक है, जैसे 2, 3, 4 ये बट्टे उट्टे में कुछ भी रहे इससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, और चर पद क्या होता है, चर पद ये हम लोग का एक्स वाई जेड ए बी सी ये चर पद होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक्स क्यू 3+1 है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर x घाते 3 है, ठीक है, नीचे हम लोग का 3 है और ये +1, तो ये भी हम लोग का बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ x घाते 2/3 है, x घाते 2/3 जो हम लोग का ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है के लिए ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ घातांक आपका इंटीजर वैल्यू नहीं है। इंटीजर मीन्स घातांक आपका 1, 2, 3 यहाँ, या -1, -2, मतलब घातांक मतलब पूर्ण एक इंटीजर के रूप में रहे, ठीक है, ना कि यहाँ ये मतलब ऐसे भिन्न के रूप में रहे। ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो नहीं है उसी को छांटना, तो ये हम लोग का बहुपद नहीं है, बाकी ये बहुपद है, क्योंकि देखो ये रूट में 3 है, एक्स रूट से बाहर है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 भी हो गया, प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं कि यदि बहुपद, ये देखो x²-9x+1a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ओके, मूलों का देखो, मूल या शून्यक, आप घबराना नहीं, मूल या शून्यक बात एक ही हुआ। ठीक है, तो गुणनफल इसके, ये जो हम लोग का द्विघात बहुपद है इसके मूलों का यानी शून्यकों का गुणनफल 8 दिया है। यानी ये शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, यानी पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा हम लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर वो होता है c/a। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे गुणनफल हमें अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है 8, तो 8 हम लोग रख लेते हैं बराबर सी। सी क्या होगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो सी के जगह पे ये देखो ये ax² यहाँ पे +bx+c ये मानक रूप है एक द्विघात बहुपद का। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः प्लस लिख दिया जाता है, तो सी यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू जो होती है वो, तो यहाँ पे ए है तो सी के जगह पे ए। ठीक है, और बटे जो ये फार्मूले में ए है तो ये क्या होता है, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक आगे यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक होगा, तो बटे में एक। ठीक है, तो 8 बराबर 1 से भाग देंगे तो ही ए ही होगा, यानी ए का मान आपका 8 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, ये आपका ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या आपका 19 भी क्लियर मेरे दोस्त। चलो प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग की 20 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या है कि यदि किसी द्विघात बहुपद, अब देखो ये द्विघात बहुपद है कि मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, सिंपल। भाई ये तो एकदम आसान है, देखो अल्फा प्लस बीटा का ही मान पूछ लिया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, ये तो फार्मूला ही होगा -b/a, सिंपल। तो -b, तो माइनस, और b के जगह पे आप क्या रखोगे, x का गुणांक, तो -2, तो -2। ठीक है, और बट्टे में a, a के जगह पे आप x² का गुणांक कुछ नहीं, तो मतलब एक, सिंपल। तो ये आपका देखो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, कोष टूटेगा, तो +2 सी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 20 भी क्लियर। प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं, किसी यदि किसी द्विघात बहुपद, ये देखो x²-x+1 के मूल अल्फा बीटा हो तो 1/α + 1/β का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो सिंपल, अब यहाँ दो तरीके आप लोग के दिमाग में आ रहे होंगे, कहो कि हम लोग इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे और हल कर हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे, तो x के यहाँ पे दो मान आएंगे, यानी पहला अल्फा होगा, दूसरा हम लोग का बीटा होगा, तो यहाँ पे उसको रखकर और इसको हम लोग हल कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं होगा, ये आप गलत सोच रहे हो। ठीक है, कैसे होता है, सिंपल, ऐसा सवाल आता है तो जो जिसका मान पूछ रहा होता है उसी को हम लोग हल करते हैं। तो देखो 1/α है, क्यों हल करते हैं अभी आपको पता चल जाएगा, बट्टे 1/β का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसी को हल करते हैं। अब देखो इसको हल कर हम लोग मान ज्ञात करते हैं, तो इसको हल करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो हम लोग का अल्फा बीटा हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका मतलब लॉस हो जाएगा, और ये आपका बीटा हो जाएगा प्लस अल्फा हो जाएगा। अब देखो बीटा प्लस अल्फा, और बट्टे में आपका अल्फा इंटू बीटा आ गया। ठीक है, हमने इसको हल किया, तो इसको हल किया तो सिंपल, और बीटा प्लस अल्फा, या इसको हम अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं, वो क्या होगा, वो होता है -b/a, और b के जगह पे हम लोग का देखो b के जगह पे x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, और चिन्ह सही लेंगे तो -1, और माइनस यहाँ पे पहले से ही है, यानी माइनस, और कोष्ठ में -1। ठीक है, और बट्टे में a, a के जगह पे x² का गुणांक कुछ नहीं तो एक, यानी हम लोग का मान निकल कर आ गया 1। ठीक है, ये हम लोग का कोष्ठक कटेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/1 तो बराबर 1, यानी हम लोग का
अल्फा प्लस बीटा, या इसको आप उल्टा भी बोल सकते हो कि बीटा प्लस अल्फा, वो एक के बराबर है। तो यानी इसका हम लोग का मान एक हो गया, और बटे में अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा वो सी बटे ए के बराबर होता है। और सी क्या है यहाँ पे, सी देखो यहाँ पे एक है, ठीक है, तो यहाँ पे सी के जगह पे एक रख लिया, और ए का मान यानी एक्स स्क्वायर का हम लोग का गुणांक एक, तो वो हम लोग का एक, तो एक बटे एक बराबर एक, तो इसका भी मान एक, तो ये बराबर एक। सिंपल, यानी हमने इसको हल कर कर, ये देखो इसको हल कर कर, और यहाँ इसका मान ज्ञात कर लिया एक, तो ऐसे इसको हल करोगे सिंपल, तो ये हम लोग का पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 21 भी क्लियर मेरे भाई, चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 के बाद प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। अब थोड़े हो सकते हैं दर्दनाक सवाल आएंगे, क्योंकि अब तक तो हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे थे, और अब मैं लेटेस्ट पैटर्न पे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन ऐड किया हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं कहीं से भी ऐड किया हूँ, ये आपके सब के सब क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं, ठीक है। चलो, तो यदि बहुपद हमें दिया कि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स माइनस पांच के शून्य ए और बी, कामा मीन्स ए बी अलग अलग है, तो ए बी का मान, ए बी का मान मीन्स ए गुणे बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स माइनस पांच के हमें शून्य दे रख, शून्य हमें दे नहीं रखा है, शून्य कह रहा है कि ए और बी है, तो उनका गुणनफल होगा सिंपल। तो इसको हम लोग हल करते हैं, और इसका थोड़ा हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं, ठीक है, बराबर जीरो हम लोग करते हैं। अब देखो पांच एक्स स्क्वायर कैसा, माइनस पांच एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसको दो भागों में तोड़ेंगे कि हम लोग का गुणा करने पे माइनस पांच एक्स स्क्वायर हो जाए, ठीक है, और जोड़ने पे माइनस चार एक्स, तो इसको मैं माइनस पांच एक्स प्लस एक्स लिखता हूँ इसको। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस पांच एक्स प्लस एक्स यानी माइनस चार एक्स हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो माइनस पांच एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस पांच तो माइनस पांच, बराबर जीरो तो जीरो। इसमें हम लोग का क्या कामन, एक्स कामन, तो एक्स माइनस पांच बचा, ठीक, इन दोनों में कुछ नहीं कामन, तो प्लस वन कामन ले लेंगे, ठीक है, तो x माइनस पांच बचेगा सिंपल, बराबर जीरो, दोनों में x माइनस पांच का मान, तो x माइनस पांच, और यहाँ पे इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो x बचेगा, इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो प्लस वन बचेगा, ठीक, बराबर जीरो, यानी x का मान यहाँ x माइनस पांच है तो उधर जाएगा तो पांच हो जाएगा, और x प्लस वन है उधर जाएगा मतलब प्लस वन, ठीक है, जीरो की तरफ तो माइनस वन हो जाएगा, यानी पांच और माइनस वन हम लोग के क्या हुए, शून्य हुए। अब शून्य यानी a का मान हम लोग का क्या हुआ, पांच, और बी का मान माइनस एक। अब इनका गुणनफल यहाँ पे पूछ रहा था, तो गुणनफल पांच और माइनस एक का गुणनफल माइनस पांच, सिंपल, ये हम लोग का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये सवाल मस्त सवाल था, ठीक है, ये मस्त सवाल था। चलो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पे। ये क्या है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स प्लस पांच की घात होगी। ओके, ये बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स प्लस पांच के हमें घात पूछ रहा है। तो घात कैसे ज्ञात करते हैं, देखते हैं कि जो चर पद है उसकी मैक्सिमम घातांक कहाँ है। तो यहाँ पे एक चर पद है, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये एक चर पद है, तो यहाँ कुछ नहीं, घात मतलब एक है, और यहाँ पे दो है, तो दो जो सबसे अधिक होती है वही बहुपद की घात होती है, तो बहुपद की घात दो हो गई, सिंपल, ठीक है। चलो 23 हो गया। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब देखो आगे ये 24, 25, 26 ये थोड़ा खतरनाक सवाल है, बहुत खतरनाक सवाल है, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए हुए सवाल है, ठीक है, तो चलो इनको हम लोग करते हैं। थोड़ा क्या है कि यदि द्विघात बहुपद, हमें ये द्विघात बहुपद एक दे रखा है, आप लोग देख सकते हो कि शून्य दो और माइनस तीन है, तो यहाँ पे a बराबर सात और b बराबर माइनस एक होगा, या a बराबर पांच या b बराबर माइनस एक। अब क्या होगा, a और b का मान हमें ये बताना है, कैसे करोगे, मतलब a और b का मान हमें ज्ञात करना है। ये हमें द्विघात बहुपद दे रखा है और शून्यक दे रखा है कि एक शून्यक दो है, एक माइनस तीन है, तो a और b का मान क्या होगा, कैसे करोगे। तो सबसे पहले यहाँ x के जगह पे आप दो रखोगे, और फिर x के जगह पे एक बार माइनस तीन रखोगे, दो बार रखोगे, और दो समीकरण बनाओगे, और फिर दोनों समीकरणों को हल कर कर a और b का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो चलो हम लोग करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर है माइनस कोष्ट में ए प्लस बी है इंटू एक्स है, तो एक्स और प्लस बी, ये तो हम लोग की द्विघात बहुपद है। मैं आई थिंक समीकरण अभी बोला क्या, बोला होगा तो माफ करना, ठीक है। अब चलो इसको हल करते हैं। तो इसको बराबर में जीरो होता है तो बराबर जीरो रख लेता हूँ, ठीक है, किसी भी बहुपद को हल करने के लिए उसको जीरो को बराबर करते हैं, तो बराबर मैंने जीरो कर लिया। अब देखो यहाँ पे शून्य, यहाँ पे पहला दो हम लोग यूज करते हैं, तो एक्स के जगह पे दो रखते हैं, तो यहाँ दो रखेंगे तो दो का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए, ये हम लोग का क्या है, ए प्लस वन है, बी नहीं है यहाँ पे, ए प्लस वन है, ठीक है, ध्यान देना, तो मैं कोष्ट में ए प्लस वन ही अभी लिखता हूँ, इंटू एक्स,
तो एक्स मीन्स अभी दो हम लोग रख रहे हैं, पहले का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो रखता हूँ और प्लस बी है तो बी को उसी तरह बराबर जीरो है तो जीरो। अब देखो ये दो दोनों का चार हो जाएगा और माइनस ये दो से गुणा होगा तो दो ए होगा प्लस आपका दो होगा और प्लस ये बी है तो बी बराबर जीरो। ठीक, अब देखो ये चार और दो मिलकर आपका कितना हो जाएगा, छ हो जाएगा, तो छ और ये देखो माइनस दो ए और प्लस बी बराबर जीरो, कुछ इस प्रकार का हो गया। अब देखो इसके आगे इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, छ माइनस दो ए प्लस बी बराबर जीरो हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको मैं माइनस है ना तो उसको उस तरफ ले जाता हूँ, छ को इधर ही रखता हूँ, ठीक है, बराबर इन दोनों को उधर ले जाता हूँ, तो ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यानी दो ए माइनस बी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि दो ए माइनस बी का मान हम लोग का छ आया। क्लियर है, हम लोग सही तो कर रहे हैं ना, कहीं गड़बड़ तो चीजें नहीं कर रहे हैं ना, नहीं कहीं हम लोग देखो गड़बड़ कर रहे हैं, शुरू से ही गड़बड़ कर रहे हैं। देखो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे चीजें प्लस थी, एक मिनट एक मिनट, इसको मैं अभी इरेज करता हूँ, सॉरी पूरा इरेज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा माफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे आपका प्लस रहेगा तो हर जगह आपका प्लस होता जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये आपका प्लस हो गया, हर जगह प्लस होता जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब देखो ये दो ए प्लस बी, यानी दो ए प्लस बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, मतलब ये छः अब उधर जाएगा तो माइनस छः हो जाएगा, यानी यहीं पर लिख देता हूं मैं, जगह छेकने की क्या जरूरत है, ये छः इधर आएगा, यानी दो ए प्लस बी बराबर, ये चलो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो ज्यादा तामझाम होगा, इसको मैं छोड़ता हूँ यहीं पर। चलो ये हम लोग की मान लो समीकरण एक हो गई, एक मिनट सॉरी यार, ठीक है इन सवालों में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं टाइम लेकर बताऊंगा। ठीक है, ये समीकरण एक हो गया। अब देखो अब एक बार हम लोग तीन रखते हैं, तीन नहीं है माइनस तीन है तो माइनस तीन रखते हैं, तो फिर आगे हम लोग करते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस हम लोग का क्या है, ए प्लस वन इंटू एक्स है तो एक्स और प्लस बी, इसको मैं जीरो के बराबर करता हूँ। और अब देखो यहाँ पे माइनस तीन को हम लोग यूज करेंगे, तो ये माइनस तीन का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए प्लस एक और एक्स के जगह पे हम लोग माइनस तीन रखेंगे तो ये माइनस तीन हो गया और प्लस बी बराबर जीरो। अब देखो ये तितली का नौ हो जाएगा और माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, ये नौ हो गया। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे माइनस तीन है, ये अब कोष्ठ हटेगा तो गुणा हो जाएगा और माइनस तीन से यहाँ ए में गुणा होगा और आगे प्लस है तो ये माइनस तीन ए हो जाएगा और ये माइनस एक में गुणा होगा तो ये माइनस तीन हो जाएगा, सिंपल। और प्लस बी है तो बी और बराबर जीरो है तो जीरो। ठीक, अब देखो ये देखो यहाँ पे ये देखो माइनस तीन और यहाँ पे नौ, ये आपका क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा और ये माइनस तीन ए उसी तरह रहने देता हूँ और ये प्लस बी है तो प्लस बी और बराबर जीरो है तो जीरो। क्लियर, अब देखो ये माइनस तीन ए आ गया, माइनस में आ रहा है तो इसको उधर ले जाते हैं, छः को मैं इधर ही रहता हूँ, इन दोनों को मैं उधर ले जाता हूँ तो बराबर ये इनका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, यानी तीन ए माइनस बी हो जाएगा, यानी हम लोग की ये दूसरी समीकरण हो गई। ठीक है, ये हम लोग की दूसरी समीकरण हो गई। तो अब दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। पहली हम लोग की जो समीकरण है वो क्या है, 2a प्लस बी बराबर माइनस छः, ये हम लोग की पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण क्या है, 3a माइनस बी बराबर हम लोग का 6, ये हम लोग की दूसरी समीकरण है। ठीक है, चलो अब इसको हल करते हैं। ये देखो प्लस माइनस बी बी कट जाएगा, ये देखो यहाँ पे देखो ये 2a 3a मिलकर क्या हो जाएगा, 6a, ठीक है, और बराबर ये माइनस छः प्लस छः कट जाएगा यानी जीरो हो जाएगा, यानी ए बराबर ये देखो गुणा में उधर जाकर भाग होगी यानी जीरो बटा छः, तो मान जीरो ही आएगा, यानी ए का मान जीरो आ गया। तो ए का मान जीरो कहाँ आ रहा है, ए का मान जीरो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और कहीं नहीं है, तो ये हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप ए का मान किसी भी समीकरण में, समीकरण एक में या दो में रखकर आप निकालोगे तो बी का मान माइनस छः आ जाएगा। जैसे देखो टू ए प्लस बी है ना, टू ए प्लस बी बराबर माइनस छः है समीकरण हम लोग का एक। अब देखो यहाँ पे एक जगह पे मैं जीरो रखूंगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा और प्लस बी बराबर माइनस छः तो बी बराबर हम लोग का माइनस छः, सिंपल। तो ये हम लोग का राइट हो जाएगा, सिंपल। चलो तो इस तरह से ऐसे सवालों को करोगे, ये लंबा सवाल काफी आ गया, ये आपका दो मार्क में भी आ सकता है। ठीक है, दो मार्क में भी आ सकता है, हालांकि ऑब्जेक्टिव में एड किया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 24 हो गया। थोड़ा पानी पी लेता हूँ एक मिनट, उसके बाद आगे चलता हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा एक मिनट। ओके चलो भाई करते हैं अब आगे क्वेश्चन को।
तो ये हम लोग की प्रश्न संख्या 24 रही, प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। ये भी अच्छा सवाल है, दर्दनाक ही सवाल है भाई। मैं बताया ना कि ये 24, 25, 26 ये चार पांच सवाल अभी जो मिलने वाले हैं ये काफी खतरनाक होने वाले हैं। चलो तो इस सवाल को देखते हैं। ये क्या है प्रश्न संख्या 25, इसमें क्या बोल रहा है कि शून्यक माइनस दो और पांच वाले बहुपदों की संख्या होगी। मतलब ऐसे कितने बहुपद होंगे जिनके शून्यक माइनस दो और पांच होगा। सिंपल, ठीक है, सिंपल नहीं है जितना सवाल सिंपल है, ये सिंपल नहीं है। हमें बहुपदों की संख्या बतानी है, कितने ऐसे बहुपद होंगे जिनके शून्यक माइनस दो और पांच होंगे, एक होगा, दो होगा, तीन होगा या तीन से अधिक होगा। तो सिंपल ऐसे सवालों में, ठीक है, ये तीन से अधिक होगा। तीन से अधिक कितना अधिक, आप अनंत एक तरह से होगा, अनंत। ठीक है, ऐसा क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई देखो कोई भी आप ले लो, जैसे हम लोग द्विघात बहुपद जैसे ज्ञात करते उसी फार्मूले पे ले लो, द्विघात बहुपद बराबर, ठीक है, क्या होता है द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा और बराबर ये जीरो। किसी भी द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जीरो करते हैं तो जीरो कर दिया। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा यानी पहला शून्यक दूसरा शून्यक इन दोनों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी माइनस दो प्लस पांच, तो ये हम लोग का तीन हो गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग का क्या हो गया, पांच दोनों का दस हो गया। सिंपल, तो ये एक्स स्क्वायर और ये देखो हम लोग का अल्फा प्लस बीटा तीन और एक्स से गुणा होगा तो तीन एक्स माइनस ये तीन एक्स हो जाएगा। और देखो ये हम लोग का अल्फा इंटू बीटा सॉरी माइनस दो और पांच का गुणा होगा तो यहाँ पे दस नहीं माइनस दस होगा। ठीक है, तो ये माइनस दस यहाँ पे ये कोष टूटेगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस दस बराबर जीरो है तो जीरो। देखो एक ये हम लोग का ये तो ठीक है, ये हम लोगों ने ये शून्यक हो गया इसका यूज कर ये द्विघात बहुपद बना लिया एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस दस, ये तो पहला हम लोग का हो गया। ठीक है, एक हो गया। अब इतना हल करोगे और एक ही पे आप यहाँ इस पे ट्रिक कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर इस बहुपद में मैं दो से गुणा कर देता हूँ, पूरे बहुपद में मैं दो से गुणा कर देता हूँ तो दो एक्स स्क्वायर माइनस छः एक्स माइनस बीस बराबर ये जीरो हो गया। तो ये भी तो एक हम लोग का ऐसा बहुपद हो गया जिसको हम लोग हल करेंगे उसके शून्य माइनस दो और पाँच आएंगे। इसी प्रकार मतलब इस ये जो मान प्राप्त हुआ है इसमें किसी भी कॉन्स्टेंट, जो कांस्टेंट एक चीज हो गई जैसे दो हो गया, चार हो गया, पांच, एक मान लेकर उससे गुणा कर देंगे तो मान में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने सभी में गुणा किया है। ठीक है, और उसको हम लोग हल करेंगे तो हम लोग के क्या होगा कि ये शून्यक प्राप्त हो जाएंगे। जैसे अगर मैं नौ ही ले लिया तो यहाँ मैं नौ से इसमें गुणा करता हूँ तो नौ एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखो नत्री सत्ताईस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस नब्बे हो जाएगा और बराबर इधर जीरो में गुणा होगा तो जीरो ही होगा। ठीक, नौ से इसको भी आप हल करोगे तो उसके शून्यक माइनस दो और पांच आएंगे। कहोगे इसको हल कैसे करेंगे, तो हल एक तो सामान्य विधि से कर सकते हो और सामान्य विधि से नहीं हो रहा है तो सिंपल इसमें आप नौ कामन ले लो। ठीक है, अगर नौ कामन लेते हैं तो कोष्ठ में हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस दस बचेगा और बराबर जीरो है तो जीरो। अब देखो नौ इसमें इसमें ये गुणा है। ठीक है, मतलब इस पूरे कोष्ठक वाले में ये नौ से गुणा है तो नौ उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस दस बराबर जीरो बटा नौ और जीरो बटा नौ मीन्स जीरो। ठीक है, और ये हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस दस प्राप्त हो गया। ठीक है, और इसका आप करोगे मतलब इसको मतलब हल करोगे तो इसके शून्य माइनस दो और पांच ही प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार किसी भी कॉन्स्टेंट वैल्यू से नौ दस पंद्रह बीस लोगे और गुणा करोगे और इसको हल करोगे तो ये शून्य प्राप्त होंगे। तो ऐसा ऐसे तो अनेक प्राप्त होंगे, तो बिल्कुल अनेक प्राप्त होंगे। तो ऐसा अगर आपको सवाल दे दे कोई भी दो शून्य दे दे और कहे कि इनसे बनने वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी और ऑप्शन में दे कि दो चार तीन अनंत, तो आप अनंत पे क्लिक करोगे क्योंकि अनेकों हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे अनंत ऑप्शन में नहीं दिया है, तीन से अधिक दिया है तो भाई यही ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी सबसे अधिक वाला ऑप्शन सही होगा। सिंपल, चल तो ये प्रश्न संख्या 25 रही। प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं। ये क्या है कि द्विघात बहुपद, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के जहाँ के इक्वल टू नॉट जीरो यानी के का जीरो मान नहीं है, ये शून्यक हैं। शून्यक कैसे हैं, और यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव असमान होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। काफी खतरनाक सवाल है, जितना आप आसान सोच रहे हो उतना आसान ये है नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग का द्विघात बहुपद क्या है। वो है हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, और इसको मैं हल करने के लिए जीरो के बराबर कर लेता हूं तो जीरो के बराबर कर लिया। ठीक है, अब देखो इसको तो हल करेंगे तो ये हल ही नहीं होगा। सिंपल, और हल करने जाएंगे नहीं हमें, ये शून्यक हैं, दोनों धनात्मक हो सकते हैं, ऋणात्मक हो सकते हैं, कैसे पता करेंगे। तो यहाँ हम लोग जो फार्मूला
योग वाला होता है उसका यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका तो गुणनखंड निकाल नहीं सकते, ठीक है, नॉर्मल तरीके से। तो यहाँ पे देखो हम लोग का फार्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा वो बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए, ठीक है। अब देखो माइनस बी, बी के जगह पे क्या है, ये बी है आपका, ये वाला बी है और ये यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब आगे आपका एक हो जाएगा तो वो ए हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका सी है, सिंपल। तो माइनस बी तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के, ठीक है, क्योंकि बी के जगह पे यहाँ पे के है और बटे में ए, एक जगह पे एक स्क्वायर होगा कुछ नहीं तो एक, बराबर माइनस के इसका आंसर होगा, ठीक, एक मिनट सॉरी, ठीक। यानी जो मूलों का मूल या जो शून्यक है पहला और दूसरा उनका योग आपका माइनस के आएगा, यानी माइनस में आएगा, ठीक। अब देखो दूसरी बात, देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, वो होगा सी बटा ए, ठीक है, बराबर सी का यहाँ कॉन्स्टेंट वैल्यू के और बटे में ए का मान, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो एक, एक बराबर के। यानी जो शून्यक होंगे इस बहुपद के, ठीक है, उनका जो योगफल होगा वो माइनस में आएगा और जो गुणनफल होगा वो प्लस में आएगा। और ऐसा कब संभव होगा, जब यहाँ पे देखो एक जैसे मैं मूल ले लेता हूं, जैसे यहाँ पे कोई मूल है, ठीक है, मूल या वही शून्यक, जैसे एक प्लस है, ठीक है, और एक माइनस है, इनका यहाँ पे देखो योग है, तो यहाँ मैं बीच में योग कर लेता हूँ, ये प्लस यहाँ पे दो भी हो सकता है, तीन चार पांच कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस दो चार दस कुछ भी हो सकता है, हमें एक्चुअली मालूम नहीं है क्योंकि ये इस रूप में दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक। तो ये देखो अगर इसको हम लोग करते हैं, अगर ये प्लस और माइनस इन दोनों को जोड़ते हैं, तो अगर माइनस वाला ये आपका ज्यादा रहे, ठीक है, तभी तो यहाँ माइनस में आंसर आएगा, तभी तो यहाँ ये माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर, और दूसरा ये भी तरीका हो सकता है, ठीक है, कि दोनों माइनस रहे, ये भी माइनस रहे और ये भी माइनस रहे, दोनों पद माइनस रहे, तो माइनस में इसको जोड़ेंगे तो माइनस आएगा आंसर। तो ये दोनों आपके वैलिड हैं अल्फा प्लस बीटा के लिए, अल्फा प्लस बीटा के लिए ये दोनों हम लोग के वैलिड हैं, ठीक है, वैलिड हैं, ठीक। लेकिन यही चेक करते हैं क्या ये दोनों वैलिड हैं इसके लिए, इसके लिए देखते हैं। तो अगर इसके लिए प्लस पहला रहे और दूसरा हम लोग का माइनस में, कोई मान लो प्लस दस रहे, प्लस पांच रहे, मतलब कोई संख्या रहे, उन दोनों का अगर गुणनफल करते हैं, जैसे यहाँ पे गुणनफल किया गया है, ठीक है, ये देखो ये गुणनफल किया गया, तो वो आपका धनात्मक आना चाहिए। तो क्या ये गुणा प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो धनात्मक आएगा? नहीं, वो ऋणात्मक आएगा। तो ये तो ये मतलब ये अल्फा प्लस बीटा, ये प्लस और माइनस, प्लस और माइनस पे तो हम लोग का मतलब अल्फा इंटू बीटा ये सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा हम लोग चेक करते हैं ये माइनस माइनस वाला, तो क्या माइनस और माइनस का हम लोग गुणा करेंगे तो ये प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है गुणे में, तो प्लस बिल्कुल आएगा, माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस आता है। तो इसका मतलब कहने का कि जो दोनों मूल होंगे वो क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, क्योंकि वो प्लस वाले में भी और गुणनफल वाले में भी दोनों में सेटिस्फाइड हो रहा है, तो दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। तो बिल्कुल दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक होंगे, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते। क्यों? दोनों ऋणात्मक होंगे ही, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे कि दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, तो बिल्कुल सही बात है, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। और यहाँ पे ये ऑप्शन है कि सदैव असमान होते हैं, ये सदैव असमान, हमेशा असमान, ऐसा इसका कोई मतलब नहीं है, सदैव बराबर होते हैं, बराबर तो कोई औचित्य ही नहीं है। अब इसका मैं इसको और एक्सप्लेन इसको भी कर सकता हूँ डिटेल में, लेकिन अभी इसको छोड़ो, शायद यहाँ पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगी, लेकिन छोड़ो कन्फ्यूजन रहने दो, बस यहाँ पे देखो, ठीक है, चलो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला, काम खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 26 के बाद प्रश्न संख्या 27 है। ये क्या है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक है, इसके शून्यक है। ओके, ये पिछले वाले सवाल पे ही ये मतलब ऐसा था, अब इसमें ऐसा ये बना दिया, ठीक है, संख्या पे। क्या दोनों धनात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे, ये एक धनात्मक एक ऋणात्मक, या दोनों बराबर होंगे, ठीक है। चलो इसको भी देख लेते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग जो 27 है इसको भी देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे पहला अल्फा प्लस बीटा वाला हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, तो वो होता है माइनस बी बटा ए, और यहाँ पे देखो बी के जगह पे यानी एक्स का गुणांक, तो 99 और माइनस है तो माइनस 99 हो जाएगा, और बटे में ए, तो ए के जगह पे एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है तो एक बराबर माइनस 99 हो गया, ठीक है। दूसरा हम लोग का अल्फा इंटू बीटा हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, और सी के जगह पे यहाँ पे 127 है तो 127, और बटे में ए, ए के जगह पे एक, तो बराबर 127 हो गया, ठीक है। यानी इसके शून्यक जो होंगे
शून्यकों का जो योगफल होगा वो माइनस होगा। तो शून्यकों का योगफल माइनस में कब हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस कब हो सकता है, ठीक है, कब हो सकता है। पहली स्थिति तो ये हो कि एक जो भी यहाँ पे एक संख्या हो, जैसे प्लस दस मतलब पांच या पंद्रह जो भी हो, ठीक है, एक यहाँ पे हो और एक यहाँ पे हो, ठीक है, माइनस वाली, ठीक है, तो उसमें से माइनस वाली बड़ी हो, तभी तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ये बड़ी हो और ये आपकी छोटी हो, यानी यहाँ पे 10 20 हो सकता है, यहाँ पे आपका माइनस 15 16 हो, सॉरी यहाँ पे अगर आपका 10 है तो यहाँ पे आपका माइनस 20 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये माइनस बड़ा है तभी तो यहाँ माइनस में आंसर आएगा, इन दोनों का अगर हम लोग जोड़ते हैं तो, समझ गए। तो उसी तरह यहाँ पे ये माइनस वाला बड़ा होना चाहिए तब हम लोग का माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। पहला कंडीशन तो ये हो गया, या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों माइनस हो, ये भी माइनस हो और ये दूसरी संख्या भी माइनस हो, दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो, अभी देखते हैं कि ये दोनों चीजें अल्फा इंटू बीटा के लिए सेटिस्फाइड है, अल्फा इंटू बीटा के लिए। तो देखो, अगर प्लस और माइनस का हम लोग गुणनफल करते हैं तो वो क्या होगा, वो माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे आंसर तो ये माइनस में नहीं आ रहा है गुणनफल का, तो ये तो हम लोग का गलत हो जाएगा, तो यहाँ गलत तो यहाँ भी गलत। अब देखो माइनस वाला देखते हैं, कोई संख्या मान लो माइनस है और यहाँ भी हम लोग की माइनस है, उसका गुणा करते हैं तो धनात्मक आता है, तो बिल्कुल धनात्मक आ रहा है, यहाँ पे धनात्मक आ रहा है, तो धनात्मक गुणनफल के लिए भी और योगफल के लिए माइनस माइनस वाला सत्य हो रहा है, यानी दोनों जो मान होंगे वो, यानी अल्फा और बीटा, यानी दोनों शून्य होंगे, कहीं ना कहीं आपके ऋणात्मक होंगे, तो दोनों धनात्मक होंगे नहीं, दोनों आपके ऋणात्मक होंगे, ठीक है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक नहीं, दोनों बराबर, ये तो कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, तो दोनों बराबर कैसे होंगे, सिंपल। चलो, ये हम लोग की प्रश्न संख्या 27 हो गई मेरे भाई। अब आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 27 के बाद हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28 और 29, बस लास्ट सवाल, अब इसके बाद खत्म हो गया। चलो, तो प्रश्न संख्या 28 देख लेते हैं। यदि द्विघात बहुपद, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k का 1 0 2 है, तो k का मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है, सिंपल 1 0 1 दे दिया है तो उसमें रख दो x का जगह, तो x का जगह इसमें रखोगे तो x का स्क्वायर है तो 2 2 का 4 हो जाएगा और प्लस 3 × 2 यानी 6 हो जाएगा प्लस k, ठीक है, बराबर 0 मान ज्ञात करने के लिए कर लेंगे, तो ये देखो दोनों मिलकर ये क्या हो जाएगा 6 और प्लस k और बराबर 0 है तो 0 k बराबर ये 6 उधर जाकर माइनस 6 हो जाएगा, नहीं भाई 3 × 6 और प्लस ये 4 आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 प्लस k हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ये 4 और 3 × 6 प्लस k, यानी 6 × 4 = 10 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर आपका -10, सिंपल, बराबर को उधर जाकर माइनस, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देख लेते हैं कि बहुपद ax प्लस बी का शून्यक होगा, ax प्लस बी क्या होता है, ax प्लस बी, यहाँ पे चर का घातांक 1 है, एक मतलब ये एक घातीय बहुपद है, एक घातीय बहुपद, या इसको रैखिक बहुपद भी बोलते हैं, रैखिक बहुपद भी बोलते हैं, इसका शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं, ax प्लस बी किसी भी बहुपद को शून्य ज्ञात करने के लिए उसको 0 के बराबर करते हैं, तो 0 के बराबर कर लिया, यहाँ पे देखो ax बराबर आपका क्या हो जाएगा माइनस बी, बी उधर जाकर, तो x बराबर क्या हो जाएगा a गुणे a है, तो ये माइनस बी का भी a उधर जाकर बटे में, यानी माइनस बी बटे a, माइनस बी बटे में, ये सी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये प्रश्न संख्या 29 रही और बहुपद का हम लोग का ये लास्ट प्रश्न रहा, लास्ट हम लोग का MCQ रहा, बहुत ही खतरनाक वीडियो थी ये, मतलब इसमें मैं एक से एक क्वेश्चन शामिल किया था, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में, मैं लिख कर आपको देता हूं। बाकी ये जो ऐप है हमारी UPMSP स्टडी, इसको डाउनलोड कर लेना, ये सारे के सारे जो आपको अभी ये आपको ये MCQ सब मिल दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब आपको इस बैच में मिलेंगे, ठीक है, इनका PDF CDF आप इसका फोटो कॉपी भी करा सकते हो, ठीक है, और खुद निकाल कर फोटो कॉपी सॉल्व करा सकते हो, मतलब घर पे बैठ कर सॉल्व खुद कर सकते हो, ठीक है, और ना आए तो वीडियो भी देख सकते हो, तो ये ऐप डाउनलोड कर लेना और ये लक्ष्य बैच आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।